हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक नए कंसेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है ओमेगा। अभी प्रोफेसर हेज ने एक नया पेपर लिखा है फेब 2020 में, यूज ओमेगा रादर देन क्रोनबर्ग अल्फा फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। तो मेरे फ्रेंड हैं अंशुमन शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये पेपर एक बार आप देखो क्योंकि ये काफ़ी नई चीज़ सर ने बताई ओमेगा की। और जैसे ही प्रोफेसर हेज करते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका एक मैक्रो भी बना दिया है ओमेगा। और इसमें एक अच्छी बात है, इसमें इन्होंने वो अपनी डाटा फाइल भी दी है जो इन्होंने पेपर में यूज किया, और पेपर भी दे दिया है। तो ये पेपर है सर का, हालांकि इसमें लिखा हुआ इन प्रेस, पर अब आई होप हो गया पब्लिश है फेब 2020 में। तो इस पेपर को फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे दो तीन अलग अलग कंटेक्स्ट में। पहला तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्रोनबर्ग अल्फा की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं अल्फा पे, और एक्चुअली ये सिनोनिमस हो चुका है अब रिलायबिलिटी के लिए। हर जगह हम रिफ्लेक्टिव स्केल और अल्फा इसकी बात करते हैं। दूसरा हम ये बात करेंगे कि फिर ओमेगा निकलेगा कैसे, ओमेगा की थ्योरी क्या है, क्या बोलते हैं ओमेगा, और अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे निकालें। हालांकि प्रोफेसर हेज ने इसका SPSS का मैक्रो ही बना दिया है कि क्लिक करो वैल्यू आ जाएगी, पर बेसिकली अल्फा से कैसे अलग है। और तीसरा इंटरेस्टिंगली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई नई चीज है या हम पहले से इसको जानते थे, सिर्फ नाम अलग है, हम किसी और नाम से इसको जानते थे। तो इन दो तीन अलग अलग पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा में प्रॉब्लम क्या, तो सर ने इसको लिखा है कि जो अल्फा जब बनाया तो ये इतना पॉपुलर हो गया है कि इवन लोग तो अब ये मानने लगे हैं कि यही है सब कुछ। मतलब इसका साइटेशन जो है वो इतना ज्यादा हो गया, एज गुड एज 90% ऑफ आर्टिकल्स वो इसी को रिपोर्ट करते हैं, या इवन 93%। ये सिनोनिमस हो गया है। लेकिन अब ये बोलते हैं कि दो प्रॉब्लम है इसमें। पहली तो ये प्रॉब्लम है कि हाई अल्फा इज नॉट एन एविडेंस ऑफ यूनिडाइमेंशनलिटी। अब ये बड़ी अलग बात है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अल्फा हाई है तो ये यूनिडाइमेंशनल है, बट प्रोफेसर इस बोल रहे हैं नहीं, एक्चुअली अल्फा तो खुद ये मानता है कि यूनिडाइमेंशनलिटी है तो लगाओ मुझे। मतलब रिवर्स है ये, हाई अल्फा से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये यूनिडाइमेंशनल है, रादर अल्फा तब लगाओ अगर यूनिडाइमेंशनलिटी आपको पता हो तो लगेगी यूनिडाइमेंशनलिटी। ये तो चलो एक समस्या। दूसरे और भी स्ट्रेंज, सर ये कह रहे हैं कि क्रोनबर्ग अल्फा इज मिस इंटरप्रेटेड एज ए मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये लो बताओ, अब आप ये कहोगे फिर क्या ये, तो अल्फा का ऐसा नहीं है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का नहीं है मेजर, पर हाई अल्फा से कंसिस्टेंसी हो जाती है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो अल्फा है ना वो तो खुद सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कि आपका नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे आपका अल्फा आर्टिफिशियली हाई होता जाएगा, इसलिए ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का वो मेजर नहीं है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ दिस थिंग्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसी को सेटल डाउन करते हैं। मैं अपने ज्यादातर वीडियोस में ये फाइल यूज करता हूँ डेल। तो इसमें देखिए मेरे पास तीन अलग अलग कंस्ट्रक्ट है, एक का नाम है मार्केट मेवन, एक है इनोवेटिवनेस, और एक है ओपिनियन लीडरशिप। क्या है ये, मैं पूछ रहा हूँ, आई लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रांड्स टू फ्रेंड्स, आई लाइक हेल्पिंग पीपल, पीपल आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, माई फ्रेंड्स थिंक ऑफ मी एज ए गुड सोर्स। इसका मतलब हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि मैं नई चीज जाके देखता हूँ, सोर्स इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, लोगों से शेयर भी करते हैं। सेकेंड है इनोवेटिवनेस, I like to take a chance, yeah, buying a product is a waste of time, money, I'll try new things, I try new brands, I experiment. तो ठीक है, ये innovativeness है, आप कितने जाके experiment करते हैं buying में। Third है opinion leadership, when it comes to computer related product, my friends ask my opinion, my friends think of me as a good source of information, I often tell my friends what I think. इसका मतलब computer related product के बारे में मैं दूसरों को बताता हूँ, ये अलग है, एक्सपेरिमेंट करना अलग है, और यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन लेके शेयर करना ये बिल्कुल अलग है। तीन अलग अलग हैं यहाँ पे, मुझे अपने लिटरेचर से भी पता है। सेम चीज मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके इस पे मैं फैक्टर लिस्ट लगा के देख लेता हूँ। सो एनालाइज डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, इनमें से 6 और 7 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है, इनको हम आगे यूज करेंगे। रोटेशन में मैंने वेरीमैक्स किया, मैं सिंपली ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरे डाटा में लोगों को ये समझ आया कि तीन अलग अलग पैटर्न हैं, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, क्या रिस्पॉन्सेज में कोई पैटर्न था हमारे पास। तो ये कम्युनिटी आ गई, ये आ गया लोडिंग, ओके यस, 1, 2, 3, 4 अलग है, 5, 8, 9, 10 अलग है, 11, 12, 13 तीनों अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, इनका आप अल्फा चेक करेंगे वो भी गुड ही आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अल्फा क्विकली।
लाइबिलिटी 1, 2, 3, 4 का, तो अल्फा 0.889, फैंटास्टिक। सेकंड हमारा 5, 8, 9, 10 का, इनको बाहर, 5, 8, 9, 10, इसका भी अल्फा अच्छा ही आएगा, 877, ग्रेट। और लास्ट में है 11, 12, 13, सो 11, 12, 13, इनका आ गया 9, 1, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। तो लिटरेचर भी यही बोलता है कि तीन अलग अलग हैं, मैंने डाटा कलेक्ट किया, डाटा से भी यही निकला है, सबका बहुत अच्छा है। अब अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये तीन अलग कंस्ट्रक्ट हैं और मैं कहूं आपको वैसे कि भाई ये एक ही कंस्ट्रक्ट है, तो अब हम देखें इसका रिलायबिलिटी हमने निकाला, लेट्स अज्यूम सारा, और मैं 6, 7 को भी डाल रहा हूं यहाँ पे जो गड़बड़ कर रहे थे, ओके, उसका कितना अल्फा है, 887, ये भी बहुत अच्छा है। तो क्या कंक्लूड करोगे आप, तीन कंस्ट्रक्ट है या एक कंस्ट्रक्ट है? तो अब आपको ये बात समझ आई प्रोफेसर हेज क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर हेज का ये कहना है कि अल्फा ये नहीं कह रहा कि अल्फा हाई है तो यूनिडाइमेंशनलिटी है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर यूनिडाइमेंशनलिटी आपको पता है तो अल्फा निकालो अल्फा से, ये क्योंकि अगर अल्फा से ही कंक्लूड करें तो हम यहां ये कंक्लूड कर देंगे भाई अल्फा आपका बहुत हाई है। और इवन अगर मैं वो दो जो गड़बड़े कर रहे हैं 6, 7 इनको बाहर निकाल दूं तो आई थिंक ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाना चाहिए, 906, तो इसको देख के तो आप कहोगे तो एक ही है कंस्ट्रक्ट, पर अभी EFA ने बताया नहीं कंस्ट्रक्ट तीन है, तो ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है इसमें? हो ये रहा है जिस बंदे ने पहले, ये एक कंस्ट्रक्ट है, यहां जो रिप्लाई पैटर्न था अगले पे भी वैसा ही पैटर्न है, अगले पे भी वैसा ही पैटर्न है, तो अल्फा अगर आप देखोगे वो इंटरनल कंसिस्टेंसी तो देख रहा है कि देखो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है भाई, यहां भी कंसिस्टेंट है और यहां भी कंसिस्टेंट है, और क्योंकि वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट है तो सारे का भी एक जैसा हो गया। पर जब हमने इसमें EFA लगाया, उसका एक अपना प्रोसीजर है, तो उससे सारे तीन अलग अलग बन गए। तो फर्स्ट तो ये हमारा मिथ दूर हुआ, अल्फा से हमारी यूनिडाइमेंशनलिटी नहीं आती, रादर आप कन्विंस होने चाहिए कि यूनिडाइमेंशनल है, एक कंस्ट्रक्ट है, तब उसका अल्फा चेक करो, ठीक है। दूसरी चीज ये क्यों कह रहे हैं कि अल्फा बढ़ाने से, नंबर ऑफ आइटम बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाएगा, बेशक आपका ये ना भी बढ़े, देख लेते हैं एक बार दोबारा समझते हैं कि अल्फा बनता कैसे है। तो मुझे 1, 2, 3, 4 का निकालना है जैसे, तो मैं इन चारों का आपस में कोरिलेशन निकाल देता हूं, 1, 2, 3, 4 का, ये सिग्निफिकेंट मुझे चाहिए नहीं, और ये मुझे सिग्निफिकेंस एन ये भी नहीं चाहिए, फ्लैग तो चाहिए नहीं था, तो डबल क्लिक पाइवोट, पाइवोटिंग ट्रे, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सबका कोरिलेशन है हर एक का हर एक से, और इसको हम अपनी एक्सेल लैब में ले चलते हैं, पेस्ट, और इसमें से सारा जो वन है इसको हटा दीजिए, और जो बच गए हैं इनका मैं यहाँ एवरेज ले लेता हूँ, तो वैसे तो एवरेज चाहे नीचे वालों का ही ले लो, पर क्योंकि वैल्यू सेम है नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन नहीं है वैल्यू, ओके नोट दिस, तो ये वैल्यू है 667, ठीक है, सो लेट मी राइट 667 हियर, और मैं यहाँ पे अपना मैंने लगा दिया, अल्फा का फार्मूला है के इंटू आर बार एवरेज आर डिवाइडेड बाई 1 + k - 1 आर बार। तो जैसे मैंने यहां पे लगाया k है नंबर ऑफ आइटम, तो दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू जो इनका कोरिलेशन लिया मैंने डिवाइडेड बाय 1 + this number - 1 इनटू ये वैल्यू, तो अभी हमारा कितना है 4 है ना वैल्यू, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 0.889, ओके। अल्फा की एक बार वैल्यू निकाल के देख लें, पहले 4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 889 पहले 4 की स्टेटमेंट थी, राइट, तो ये तो अच्छी बात है, तो ठीक है 889 आ रहा है और इनका ये भी ठीक है। अब ये देखिए मैंने सारी जो 13 वैल्यू थी ना उनका कोरिलेशन निकाल दिया हर एक का हर एक से, ठीक, और इसका एवरेज कोरिलेशन देख लें कितना आ रहा है, एवरेज हर एक का हर एक से आ रहा है, 1 को हटाने के बाद ये वैल्यू हमारी आ गई 0.366, कोई खास तो नहीं है 366, चलिए रख, लेकिन स्टेटमेंट कितनी है 13, 0.366, तो अब मेरा बन गया है 0.88, तो ये चेक कर लें कितना था, अगर हम इसको इंक्लूड कर ले 6, 7 को तो आई थिंक वो पॉइंट इतना ही था, मैं चेक कर लेता हूं 906 से पहले 887, करेक्ट। तो इसका मतलब कुछ समझ आया आपको, अगर मेरी सारी स्टेटमेंट रिस्पोंडेंट कुछ भी जवाब दे रहा है उल्टा पुल्टा या जो दिल जिसके दिल में आए, किसी का कोई कोरिलेशन नहीं, और लेकिन स्टेटमेंट मैंने 20 ले ली है, तो अगर आर मेरा इतना छोटा होगा तब भी मेरा अल्फा 0.8 हो जाएगा, ये समझ आया आपको, तो ये अल्फा इससे नहीं बढ़ रहा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी ज्यादा हो रही है, कंसिस्टेंट तो है ही नहीं लोग, कोई कुछ भी जवाब दे रहा है,
तो अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ 0.3 भी अगर होगा तो 20 लेने से अल्फा 0.9 जंप हो गया ये हमारा। आपको ये दूसरी बात समझ आई प्रोफेसर हेज की? वो ये कह रहे हैं कि आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी को पूरा मत मानिए इसे। क्यों ना माने? क्योंकि आपका, आप अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी मानेंगे तब आप ये कहेंगे भाई अल्फा बढ़ गया तो कंसिस्टेंट है, मतलब 0.9 है, पर एक्चुअली किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी बहुत पुअर रिलेशंस हैं, 0.3 है। तो भी नंबर ऑफ आइटम बढ़ाने से, और अगर आप इसको और अगर देखें ना, ये मैं इसको और आगे बढ़ाता चलूं दोनों को, तो इनफैक्ट ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा आप स्टेटमेंट लेंगे तो ये तो बढ़ती ही जाएगी आपकी वैल्यू। तो अगर आप इवन बहुत पुअर आ रहा है 0.2, 20 लेने से वो फिर भी 0.8 आ गया, 0.1 बिल्कुल यूजलेस, 0.20 लेने से फिर भी आपकी स्टेटमेंट ज्यादा है तो भी अल्फा हाई है। तो ये प्रोफेसर हेज ये कह रहे हैं, प्लीज लुक वंस अगेन, अल्फा से इंटरनल कंसिस्टेंसी अकेले नहीं निकल रही, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का भी आ गया। वो अलग बात है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ने से रिस्पॉन्स रेट गिरेगी वगैरह, वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये दोनों बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? तो इन्होंने तो बिल्कुल ही लिख दिया, इट्स नॉट अ डायरेक्टली अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये कह रहे हैं कि फिर हमें काम करना चाहिए मैकडोनल्ड्स ओमेगा के ऊपर, और ओमेगा कैसे काम करता है? तो फ्रेंड्स यहां ना अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले टाउ इक्विलेंस समझना पड़ेगा। ये टाउ इक्विलेंस क्या है? ये बेसिकली एक तरह का अजम्पशन है हमारे पास यूनिडाइमेंशनलिटी का। अगर यूनिडाइमेंशनलिटी है तब आपका अल्फा और ये इक्विलेंस बिल्कुल सेम आते हैं, तब ओमेगा अल्फा सब सेम हो जाएगा। लेकिन अगर ये अजम्पशन वायलेट हुआ तो फिर ओमेगा ठीक आएगा, अल्फा नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ओमेगा इज ए मोर जनरल एस्टिमेट, क्योंकि इस पे ये अज्यूम नहीं करता है हमारा टाउ इक्विलेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक, अब हमें ना देखिए, जब आप एसपीएसएस में काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप इन चारों की बात कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए, ये चार क्या हैं? ये तो मेरे मार्केट वेवन के हैं ना, वो जो मैंने यहां लिया था इनोवेटिवनेस, इसके चार अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। वो कहाँ हैं वो फैक्टर? फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। हमने तो चार स्टेटमेंट लिया, उनकी आपस में देख ली। इसीलिए प्रोफेसर हेज कह रहे हैं आप ना एसपीएसएस को छोड़ के अमोस में आओ एक बार। ये हमारे एक फैक्टर होता है ना, किसी तरह तो कंप्यूट करते हैं ना हम इसे, इसको लेके उसके कंटेक्स्ट में सोचो आप। अभी आप सिर्फ इन चारों का सोच रहे हो, आप तो एरर टर्म भी नहीं ले रहे। तो अब आप करो, इन चारों को भी लें और इनकी एरर टर्म भी लें और उसके परस्पेक्टिव से सोचें, वो ओमेगा है। तो अगर आप मेरी वर्कशॉप्स वगैरह में रहे हों या ये वीडियो आपने फॉलो किए हों, अब ये बताइए ये आपको देखा हुआ लगता है क्या? समेशन लैम्डा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन लैम्डा होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एरर। अगर आपने एक फाइल में, काफी जिक्र करता हूँ इसका, मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ एवीई, तो रिलायबिलिटी क्या है हमारी, कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये है सम ऑफ स्टैंडर्डाइज लोडिंग का होल स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द एरर। यानी ये जिसको अभी तक हम क्रॉनबैक कंपोजिट रिलायबिलिटी बोल रहे थे उसको ये ओमेगा बोल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो आप ये समझिए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई नई चीज आउट ऑफ द ब्लू आ गई, ये हम पहले से इससे परिचित हैं, इसको कंपोजिट रिलायबिलिटी बोल रहे हैं। तो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फिर ये ओमेगा क्या चीज है अल्टीमेटली। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।